मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव भले ही पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन वह इन गिने चुने नेताओं में हैं जिन्हें 5 बार लगातार संसदीय चुनाव जीतने का अनुभव है। उन्हें शहर विधानसभा क्षेत्र का मिजाज, यहां के लोगों की अपेक्षा और विरोधी दलों के समीकरणों की जानकारी 1996 से ही है, जब उनके गुरुदेव महंत अवैधनाथ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव दर चुनाव यह जानकारी और समृद्ध होती गई, क्योंकि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के लिए पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उन पर है, इसलिए अपने विधानसभा क्षेत्र में वह प्रचार में खुद कम समय ही रह पाएंगे। इसलिए यहाँ मौजूद न रहकर भी प्रचार की हर गतिविधि पर नज़र रखने की उनकी रणनीति धारदार दिख रही है। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम को उनके निर्देश के अनुसार हाईटेक वार रूम में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ शहर विधानसभा क्षेत्र की हर आयाम से विस्तृत जानकारी को डिजिटलाइज किया गया है। कार्यकर्ताओं की टीम यहां शिफ्टवार 24 घंटे काम कर रही है। मुख्यमंत्री खुद भी कभी भी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत फोन कर फीडबैक ले रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। परिणाम से इतर सबका जोर इस बात का है कि मतदान का रिकॉर्ड बनाया जा सके। इसके लिए मतदाताओं से संपर्क के लिए रोज दर्जनों टोलियाँ तो निकल ही रही हैं। प्रतिदिन मतदाताओं को व्यक्तिगत फोन कर उन्हें 3 मार्च को सबसे पहले मतदान करने की अपील की जा रही है। मंशा चुनाव प्रचार थमने तक हर मतदाता को फोन करने की है। प्रचार थमने के बाद से और वोटिंग के दिन प्रेरक अपील का सिलसिला युद्ध स्तरीय हो जाएगा।